कुछ नया सीख लेते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रॉबेरी आमंड पेस्ट्री। ये बहुत डिलीशियस है, बहुत टेस्टी है एंड एट द सेम टाइम बहुत इजी है। कैसे बनाएंगे इसको, चलिए सीख लेते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ तृप्ति और आप देख रहे हो तृप्ति टेस्टी स्वीजन केक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट, प्रेस दैट रेड बेल आइकॉन सो दैट मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी। जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए ये स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री बनाने के लिए वो है 70 ग्राम्स मैदा, 3 टेबलस्पून आमंड मिल। अगर आपको रेडीमेड आमंड मिल नहीं मिल रहा है तो ये कैसे बनाना है, मेरा मैक्रून्स की रेसिपी में मैंने वो शेयर किया है, आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देन कॉर्नफ्लावर चाहिए 1 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, वेनिला एसेंस चाहिए 1/2 टीस्पून, आइसिंग शुगर चाहिए 70 ग्राम्स। अगर आइसिंग शुगर नहीं है तो पाउडर शुगर ऐड कर सकते हो, बट देन उसमें टेक्सचर में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। देन मेल्टेड बटर चाहिए 50 ग्राम्स, बट ये वार्म नहीं होना चाहिए बट मेल्टेड होना चाहिए। मिल्क चाहिए 100 ग्राम एंड विनेगर चाहिए 1 टीस्पून। तो चलिए देख लेते हैं कैसे ये बनाना है, बहुत ईजी है, चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मिल्क में विनेगर को आपको ऐड करके रखना है। बेसिकली हम लोग ये बटर मिल्क रेडी कर रहे हैं, इसको मिक्स करके रख लीजिए 5 मिनट्स तक। अब देखोगे जब ऐड करोगे विनेगर तो ये दूध कर्डल होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें यही चाहिए, तो इसको अभी साइड कर लेंगे। जितने भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सबको मिक्स करना है। तो पहले मैदा, कैस्टर शुगर, आमंड मिल, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इन सभी को अच्छे से सीव कर लेना है। सीव करने से आपका केक बहुत स्पॉन्जी बनता है और सॉफ्ट बनता है। और इसमें हम लोगों ने आइसिंग शुगर ऐड किया है, तो आइसिंग शुगर में कई बार लम्प्स रहते हैं, तो सीव करने से वो भी निकल जाएगा। सीव करने से सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे। सीव करने के बाद इसमें बटर मिल्क ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अभी इसमें मेल्टेड बटर ऐड कर देंगे। बटर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने OTG को 160 डिग्री में प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। 160 डिग्री में इसको बेक करना है फॉर 25 to 30 मिनट्स और टिल ए टूथपिक इंसर्टेड ऑन द सेंटर कम्स आउट क्लीन। ये रेडी है, मैंने एक 6 इंच स्क्वेयर केक पैन रेडी करके रखा है। अब बैटर को इसमें पोर करेंगे। इसको टैप कर लेंगे। इसको मैं अभी प्री हीटेड ओवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड में 25 to 30 मिनट्स बेक करूंगी, मिडिल रैक पे बोथ द रॉड ऑन। केक कम्प्लीटली अभी रेडी हो गया है। मुझे 30 मिनट्स लगा ये बेक करने के लिए, बट गाइस एक प्रॉब्लम हो गया मेरे से। केक बैटर में वेनिला एसेंस ऐड करना था, मेरे से वो मिस हो गया। तो वेनिला एसेंस तो हमें चाहिए केक में फ्लेवर के लिए, इसको मैं कैसे इनकॉर्पोरेट करूँगी आगे जाके, तो वो आप ज़रूर देखिए। ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं तो घबराना नहीं चाहिए और उसका सलूशन निकलना चाहिए। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ वेनिला एसेंस में केक में कैसे इनकॉर्पोरेट करती हूँ। केक को अभी केक पैन में ही 5 मिनट्स तक मुझे ठंडा होने के लिए रखना है। 5 मिनट्स के बाद इसको मुझे डिमोल्ड करना है वायर रैक में। अभी केक थोड़ा ठंडा हो गया है, इसको डिमोल्ड कर लेते हैं। बहुत अच्छा बना है केक, थोड़ा ठंडा होने के बाद इसका लेयरिंग करेंगे। चलिए अभी स्ट्रॉबेरी जेली बना लेते हैं। स्ट्रॉबेरी जेली के लिए चाहिए हमें स्ट्रॉबेरीज,
ये मेरा 150 ग्राम स्ट्रॉबेरी है, मैंने इसको चॉप करके रखा है, एंड 3 टेबलस्पून शुगर चाहिए। इन दोनों को मिक्स करके 10 टू 15 मिनट्स ऐसे ही छोड़ देना है कवर करके, एंड देन इसको हम लोग कुक करेंगे गैस पे। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, उसमें मैंने 1/2 टीस्पून शुगर मिक्स कर लिया है, एंड 1/2 टीस्पून लेमन जूस लिया है। ये हम जब स्ट्रॉबेरी को कुक करेंगे तभी चाहिए। स्ट्रॉबेरी एंड शुगर को कुक करना है जब तक स्ट्रॉबेरी सॉफ्ट ना हो जाए पूरा, एंड मशी ना हो जाए थोड़ा। एक बॉईल आने के बाद इसको स्लो कर दीजिए गैस को, एंड इसको कवर करके कुक होने के लिए छोड़ दीजिए 5 to 7 मिनट्स। बीच बीच में आप इसको कवर हटा के स्पैचुला के हेल्प से थोड़ा सा प्रेस करिए ताकि आपका स्ट्रॉबेरी जल्दी कुक हो जाए। अभी आप देख सकते हो ये थोड़ा सा कुक होना शुरू हुआ है। मुझे और थोड़ा इसको कुक करना है जब तक एक जेली जैसी कंसिस्टेंसी ना हो जाए। फिर से मैं इसको कवर कर रही हूँ। इसको आप चाहो तो प्योरे करके भी डाल सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा चंक्स जो दिखते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट मेरा स्ट्रॉबेरी मैश हो गया है। अब क्या करूँगी मैं इसमें, कॉर्नफ्लोर और शुगर मिक्सचर जो है मेरा, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करूँगी, एकदम थोड़ा सा, ताकि आपका कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो जाए। उतना इसको अभी इसमें ऐड कर देना है, और इसको अभी कुक करेंगे जब तक ये ड्राई ना हो जाए थोड़ा। ये आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कलर आया है स्ट्रॉबेरी का। एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेंगे, और इसमें मैं थोड़ा सा ड्रॉप करूँगी। ये आप देख सकते हो जेली जैसे मेरा बन रहा है, दैट मीन्स ये मेरा अभी रेडी है। ये पॉइंट में अभी इसमें लेमन जूस में ऐड कर दूंगी। लेमन जूस से इससे बहुत एक टेंगी टेस्ट आता है, और इसको मैं अभी बंद कर दूंगी और इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसको क्लिंग रैप कर लेंगे। मेक श्योर कि आपका रैप इसको टच करे। स्पॉन्ज बहुत अच्छे से रेडी है, चलिए इसको अभी स्लाइस कर लेते हैं। स्लाइस करने के लिए मैंने एक सेरेटेड नाइफ लिया है, और पहले ऊपर का टॉप क्रॉस थोड़ा सा निकाल देंगे, एंड देन इसको 3 लेयर्स में कट करेंगे। फर्स्ट लेयर मेरा रेडी है, फ्रेंड्स मैंने पहले बताया था कि जब मैंने केक का बैटर बनाया तब वेनिला एसेंस ऐड करना मैं भूल गई थी, तो अब क्या किया, जो शुगर सिरप मैंने बनाया है ना उसमें मैंने थोड़ा सा वेनिला एसेंस ऐड कर दिया है, तो मेरे केक में वेनिला का फ्लेवर आ जाएगा। तो कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया तो घबराना नहीं है, उसको इंटेलिजेंटली हैंडल करना है, ठीक है। बट आप लोग जब केक बनाओ तो आप उसमें वेनिला एसेंस ज़रूर ऐड करो बैटर में। अभी क्या करूँगी, शुगर सिरप में इसको सोक करना है, हल्का हल्का सोक करना है, ठीक है। जो स्ट्रॉबेरी प्योरे हम लोगों ने बनाया था उसका एक लेयर मुझे इसके ऊपर स्प्रेड करना है। अच्छे से लगाने के बाद मैंने नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम लिया है, और उसको एक पाइपिंग बैग में भर लिया है। क्रीम को कैसे व्हिप करना है वो मेरे चैनल पे है, एक डिटेल वीडियो है, आप लोग जाके वो देख सकते हो। तो अभी क्या करेंगे, इसको पाइप करना शुरू करेंगे। इसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। एक बार जो गैप्स है उसको फिल कर लीजिए। चलिए अभी इसको वेनिला एसेंस और शुगर सिरप उससे सोक कर लेते हैं।
सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। स्ट्रॉबेरी जेली जो बनाया उसको अप्लाई करना है एक लेयर। क्रीम का एक लेयर। इसको भी स्मूथ कर लेंगे। साइड्स में जो गैप्स है उसको फिल कर लेंगे। शुगर और वेनिला एसेंस जो सिरप हमने बनाया उससे सूप करना है केक को। अब ऊपर लगाएंगे क्रीम। ये केक बहुत टेस्टी है, बहुत डिलीशियस होता है, इसको आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए। फ्रेंड्स, इफ़ यू ऑल आर इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी देयर। मेरा वहाँ पे रेगुलर पोस्ट आता रहता है, हम लोग वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये केक को हमने 3 पार्ट्स में बनाया। पहले पार्ट में बेस रेडी किया, सेकेंड पार्ट में स्ट्रॉबेरी जेली बनाया एंड थर्ड पार्ट में केक को असेंबल किया एंड लास्ट में इसको हम लोग कट करके प्रेजेंट करेंगे। इसको अभी फ्रिज में कम से कम 2 to 3 आवर्स रखेंगे सेट होने के लिए, उसके बाद इसको कट करेंगे एंड डेकोरेट करेंगे। तो चलिए इसको मैं अभी फ्रिज में रख लेती हूँ। साइड्स को कट करके इसको एक स्मूथ लुक दे देंगे। चारों साइड्स कट करने के बाद इसको पेस्ट्री शेप में कट करेंगे एंड देन डेकोरेट करेंगे। मैंने यहाँ पर एक रोजेटा बनाने के लिए जो नोज़ल यूज़ होता है वो लिया है, ओपन टिप स्टार नोज़ल, और उससे एक पैटर्न ड्रॉ किया है एंड स्ट्रॉबेरी जेली के साथ इसको गार्निशिंग करूँगी। सो नाउ द डिलीशियस स्ट्रॉबेरी आमंड पेस्ट्री इज रेडी। सो इजंट इट ईजी, एक बार इसको आप जरूर बनाइए। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। बनाइए, खुद खाइए, गेस्ट को सर्व करिए एंड अपना फीडबैक मुझे जरूर शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू एंड प्रेस द रेड बेल आइकॉन। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड द वर्ल्ड।